हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले सुनील भाई को प्यारी सी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बजे 7 और 7 बजे का ब्लॉग कर रहा हूँ। फैक्ट्री के अंदर है, वो नाइट में खाली हो गई थी, लेकिन उसका काटा नहीं हुआ नाइट में, तो अपन पूछ पूछ कुछ नहीं मिली। तो गाइस अभी मैं चाय वाय पीने के लिए बाहर आया हूँ, बाहर इस तरह का नज़ारा है। सो गाइस, तो ये मेरे पीछे पुलिया है और ये बोर्ड लगा हुआ है, एक वे गाड़ी भी खड़ी है। तो इसी लोकेशन में मैं खड़ा हूँ, बहुत ही प्यारी लोकेशन। इधर खेत वेद है और ये रोड सीधा जा रहा पूरे उधर गांव में चाय वाय पीने के लिए जाएंगे। तो इधर खेत में धान वान कुछ भी बो रखा है आगे। सो गाइस, तो सुबह सुबह का व्यू देखो, चारों मेर फोग छा रखी है और सनसेट भी हो गया है, और अभी तो अंधेरा दिख रहा है इधर। और ये पुलिया है, ये देखो सही तरह से पुलिया दिख रही है, और अपनी गाड़ी है जो इस बगल वाली फैक्ट्री में खड़ी है। सो गई, तो फाइनली ये रही फैक्ट्री और वह गाड़ी अपनी है, वह थोड़ी सी दिख रही है। और इधर गाड़ियाँ हैं, ये खाली हो गई थी नाइट को, अपनी भी नाइट को हो गई, और 9 बजे वो काटा वाला आ जाएगा, काटा करवा के डायरेक्ट ऑफिस भरने के लिए जाएंगे हम। तो गई, तो चाय वाय पी लेते हैं। फाइनली चाय वाय पी के नाश्ता वास्ता करके आ गए, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है अपनी गाड़ी, घूम फिर के जाना पड़ेगा, इसलिए 1 किलोमीटर दूर है, चलते हैं। तो गाइस, तो फाइनली गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ, अब काटा वाटा करवा लेते हैं और ब्लॉग एंड तक बने रहे। गाइस काटा वाटा करवा लिया और गेट पास भी आ गया, लेकिन बाड़ा वाड़ा नहीं डिला पिछला, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये अपनी गाड़ी खड़ी और पिछले वहाँ पर अपने खाली की थी, लेकिन पिछले बड़ा नहीं डलने की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, और आधा घंटा बाद यहाँ से निकलता है। बने रहिए वीडियो में एंड तक देखिए। सो गाइस, फाइनली वह गाड़ी दिख रही, उस पॉइंट में अपनी गाड़ी खाली हुई थी। गाइस पैसे डालने वाला तो काफ़ी वेट किया, लेकिन अभी तक वह नहीं आया। हम फैक्ट्री के गेट पर आ गए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस, फाइनली हम फैक्ट्री से निकल गए और हमको जाना है लोडिंग के लिए। नाइट की 12 बजे अपनी गाड़ी लोडिंग हो जाएगी, वापस भर लेंगे, उसके बाद वापस खाली भी करनी पड़ेगी, नाइट नाइट में चलते रहेंगे। सो गाइस, फाइनली हम टोल पे खड़े हैं। भाई लोग, तो ये देखो कितने बड़ा है यार, ये ट्रेलर को ऊपर पड़ा हुआ है ये। भाई लोग, तो ये टोल को भी तोड़ देते हैं, इतना चौड़ा माल पड़ा हुआ इस गाड़ी के अंदर। ये देखो टोल की प्रॉपर माल पड़ा हुआ है, कहाँ निकलेगा पता नहीं है। लोग दिन की बज चुकी है और अब खाना वाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली गाइस, हमको 60 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, फिर बाद में अपनी गाड़ी लोडिंग हो जाएगी नाइट में। भाई लोग, खाना वाना खा लिया और घंटे 2 घंटे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो नाइट को हम अपनी गाड़ी लोडिंग कर रहे हैं। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, 1-2 घंटा बाद अपनी गाड़ी भी लोडिंग हो जाएगी, तो यहाँ से निकलते हैं। आई होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सामने इतना नहीं बोल पाता, इसलिए सॉरी भैया, और जल्दी मिलते हैं दिलराज भाई से।